शुभमन गिल के पहले टी20 शतक की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे मुकाबले में 235 रनों का टारगेट दिया। वहीं सीरीज के पहले दो मुकाबलों में फ्लॉप रहे शुभमन गिल ने इस पारी में 63 गेंदों का सामना करते हुए 126 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। वहीं राहुल त्रिपाठी ने 44 रन बनाए, कप्तान हार्दिक पांड्या ने 30 और सूर्य कुमार यादव ने 24 रन बनाए। वहीं शुभमन गिल टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विराट कोहली ने पिछले साल अफगानिस्तान के खिलाफ 122 रनों की पारी खेली थी। वहीं शुभमन गिल ने हार्दिक पांड्या के साथ चौथे विकेट के लिए 40 गेंदों पर 103 रनों की साझेदारी हुई। इससे पहले सूर्य कुमार यादव 24 रन, राहुल त्रिपाठी 44 रन और ईशान किशन 1 रन बनाकर आउट हुए। वहीं शुभमन गिल ने हार्दिक पांड्या के साथ चौथे विकेट के लिए 40 गेंदों पर 103 रनों की साझेदारी की। इससे पहले सूर्य कुमार यादव 24 रन, राहुल त्रिपाठी 44 रन और ईशान किशन 1 रन बनाकर आउट हुए। वहीं न्यूजीलैंड की ओर से माइकल ब्रेसवेल, ब्लेयर टिकनर और ईश शोधी को एक एक विकेट मिला। ऐसे गिरे भारत के विकेट। पहला विकेट, दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर ब्रेसवेल ने ईशान किशन को LBW आउट कर दिया। दूसरा विकेट, ईश शोधी ने राहुल त्रिपाठी को 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर डीप स्क्वायर लेग पर फर्गुसन के हाथों कैच कराया। वहीं तीसरा विकेट, 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर टिकनर ने सूर्या को ब्रेसवेल के हाथों कैच कराया। चौथा विकेट, 20वें ओवर की पहली बॉल पर डेरिल मिचेल ने हार्दिक पांड्या को ब्रेसवेल के हाथों कैच कराया। वहीं अगर आज की मैच के बारे में बात करें तो यह मैच दोनों ही टीमों के लिए अहम है। अभी सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। जो टीम जीतेगा उसका सीरीज पर कब्जा हो जाएगा। वहीं भारत अगर जीतता है तो वह लगातार चौथी बार न्यूजीलैंड को हराएगा। इसके साथ ही टीम इंडिया लगातार 8वीं बार सीरीज जीतेगी।